ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश जी लाल वैसे तो हरियाणा से हैं। करीब 4 सालों से ओडिशा में प्रवास करते वहां की उड़िया बोली को भी अपनी दिनचर्या में आत्मसात किया। हिंदी भाषा को विशेष पकड़ रखने वाले 81 वर्षीय प्रोफेसर गणेश जी लाल ने ओडिशा में रहते हुए वहां की उड़िया बोली सीख ली। अब उड़िया भाषा में हरियाणवी लोकगीत ओडिशा में लोगों को सुना रहे हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेश जी लाल चरखी दादरी में कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने अपने मन की बात की, चरखी दादरी में अपने पुराने दोस्तों से मिले और पुरानी यादें ताजा की। बता दें कि प्रोफेसर गणेश जी लाल ने अपने जीवन के 27 साल गणित प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी। बाद में राजनीति में आए और देश प्रदेश की राजनीति के कई और अहम पदों का कार्य कर जनसेवा की। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। यहाँ दादरी से अरविंद जी के साथ 15 लोग गए थे वहाँ, तो मैं सोच रहा था राजेंद्र जी का परिवार भी होगा, पर ये नहीं थे। तो फिर मैंने उसी दिन उनको कहा, अरविंद को, कि अब मैं आऊँगा दादरी। जैसे मैं अब जा रहा था तो फिर इसलिए मैं दादरी रुक गया। दादरी में मैं बहुत ठहरा हूँ, जितने जीतराम जी के घर, रामजीलाल जी के घर, अरविंद जी के घर, राजेंद्र जी के घर, और भी जितने संघ के जितने परिवार यहाँ पर रहते हैं। रोटी मैंने खाना तो उधर ही खाना और किधर खाना। उसके लिए उड़ीसा के पेपर पढ़ लेते हैं, उड़ीसा की भाषा समझ लेते हैं जो बोलता है दूसरा। अभी उतना मैं अच्छा बोल नहीं पाता, लेकिन प्रयास करने पर गीत भी गा लेता। तो उत्कल दिवस के ऊपर हमारा भजन है एक, वो लिखा विजय फल जी ने है, संगीत प्रेमानंद जी ने दिया, और एक बॉम्बे से आए थे जिन्होंने ये पिक्चराइजेशन किया है। उसको आप भजन को देखेंगे तो वो पूरा उड़ीसा का सारा कुछ उसमें, यानी मंदिर भी है, समुद्र भी हैं, नदियाँ भी हैं, डांस भी हैं, यानी पूरी उड़ीसा कल्चर को उस भजन में गालमनाइज किया गया है। वो एक अप्रैल को हमारा उत्कल दिवस होता है, जैसे यहाँ अपने 1 नवंबर को होता है, तो उस अप्रैल दिवस पर उसको लॉन्चिंग किया था। और मेरे सौभाग्य से हरिप्रसाद चौरसिया जो अपने पद्म विभूषण है, बांसुरी सम्राट हैं, प्रयागराज जिनको भी कहते हैं, जिन्होंने विश्व में भी संगीत बहुत फिल्मों में भी दिया, सिलसिला जानवी भारत की भी बहुत फिल्मों में है, वो भी सौभाग्य से उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। और उनका ये कहना कि मैं भी चाहता, मेरा भी मन करता है कि इसमें मैं भी बांसुरी वादन करूँ, तो ऐसा करके है, लेकिन कुल मिला के अच्छा है। सब आप लोगों का आशीर्वाद।